बस हम जितना कंपटीशन खेलते जाएंगे इतना हमारा एक्सपीरियंस होता रहेगा, और उसी हिसाब से हम टेक्निक वाइज भी कुछ मतलब थोड़ा बहुत देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और किधर हमारा गलती हो रहा है वो चीज़ देख सकते हैं। आपको पेरिस का प्रेशर फील हो रहा है ये दो कॉम्पिटिशन के बाद? और नहीं, एक्चुअली प्रेशर मेरा इस चीज़ का था क्योंकि दो कॉम्पिटिशन मेरा ख़राब हुआ, इसी का ज़्यादा प्रेशर था। और हमारा जितना यही बात तो ये, जितना आपका एक्सपीरियंस होते रहेगा या अच्छा आप करते रहोगे तो आपका पेरिस में इतना कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, बस यही रहेगा, बस इंजरी फ्री एंड अच्छे से कंपटीशन करते रहो। अगर कुछ अच्छा नहीं जाता है तो आप उसके प्रेशर के साथ आप कैसे डील करते हैं? तो हम वही सोचते हैं क्योंकि क्या गलती रहा हमारा पिछले सेशन में कि हमारा कंपटीशन ख़राब हुआ, वो चीज़ को देख के बात करके फिर उसको सुधारते हैं और उसी चीज़ के ऊपर काम करते हैं दोबारा। आपकी डे टू डे लाइफ में क्या होता है, लाइक कैसा रहता है, और आप अपने आप को मेंटली फिट और फोकस आप कैसे रखते हैं? हाँ, जैसे कि इससे इतने भी तो टाइम मिलता नहीं है क्योंकि हम सुबह मॉर्निंग प्रटे जाते हैं, फिर आके ब्रेकफास्ट, फिर सोना, फिर लंच करके, फिर थोड़ा रेस्ट करके, फिर ग्राउंड है, सेम चीज़ हमारा ये डेली का रूटीन है, तो इतना टाइम मिलता नहीं है, तो रहता ही फोकस इसी एक चीज़ के ऊपर ही रहता है लगभग। ओके, और आप अपने आप को मेंटली फोकस्ड और अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान कैसे आप रखते हैं? हाँ, बस यही है, हम जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस चीज़ में क्या और टेक्निक में जोड़ सकते हैं, किस चीज़ का गलती हो रहा है, तो उस चीज़ को सोचते रहते हैं, और क्योंकि हम फोकस करना हमारे इवेंट के ऊपर ही है तो उसमें हटेंगे तो शायद कंपटीशन ख़राब ही होगा मेरे हिसाब से। तो बस हमारा फोकस यही रहता है कि कंपटीशन हम अच्छा करें और प्रैक्टिस से मतलब हम जितना सुधार सकें अपने खुद को इतना सुधारें। ओके, और आरएस के लिए आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं? जैसे कि मैं पहले ही बोला था, प्रिपेयर एक्चुअली काफ़ी बढ़िया चल रहा था और प्रैक्टिस भी बहुत मतलब अच्छा चल रहा था, सब चीज़ बढ़ा है, बाकी वो चीज़ थ्रू में कन्वर्ट नहीं हो रहा था क्योंकि आपका मैं दो कंपटीशन ख़राब हुआ, उसका बाद इंजुरी आ गया, फिर ना मैं थ्रो नहीं कर पाया और इसको भी रिहाब दो तीन हफ्ते के आसपास रिहाब किए, उसका बाद ए फाइव का सजेशन से हम डॉक्टर को दिखाए और उसका बाद का सेशन ये है, तो काफ़ी अच्छा रहा डॉक्टर को दिखाने का भी, और एंकल भी थोड़ा ठीक है अभी, और धीरे धीरे एंकल जितना मतलब आपको एक बार इंजरी फ्री हो जाए ना तो फिर दिमाग में आपका कुछ नहीं रहता है, बस आपको अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि आज भी मेरा डर था कि ज़्यादा झटका ना आ जाए इसमें। और क्या आपने नीरज से बात किया है, क्या आप दोनों ने टिप्स एक्सचेंज किया है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, जैसे हमारा मेरा कंपटीशन ख़राब हुआ था तो उसको आप वो भी बोले थे आप बैठ के बात करो कोच और आप, और किस चीज़ में ये हो रहा है, गलती क्यों हो रहा है, तो हम इस चीज़ के ऊपर बात भी किए थे, तो एक काफ़ी अच्छा रहा मेरे को उसके ऊपर बात करने के बाद पता चला क्या क्या गलती हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो ऐसे ही बात हो गया। ओके, और आप